नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विकलांगों की स्थिति को सुधारने के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाएं, कि हमारे शिक्षा विभाग ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किया। तो देखो ध्यान से, समेकित शिक्षा, आज हमारा टॉपिक है समेकित शिक्षा। अब ये समेकित शिक्षा की आवश्यकता महसूस क्यों हुई, तो ध्यान से सुनो बच्चों। आज हमारे समाज में प्रतिभाशाली, औसत, मंद बुद्धि, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, स्वर्णहीन, नेत्रहीन, कई प्रकार की समस्याएं बच्चों में देखने को मिलती है। ये विभिन्नता इन बच्चों में एक बच्चे से दूसरे बच्चे में खाई को गहरा करता जा रहा है। इस खाई को बढ़ने के लिए हमारे देश में जो शिक्षा लाई गई उसी का नाम है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा लाने के पीछे एक मात्र उद्देश्य यही था कि प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि या विकलांग बच्चे के बीच में जो खाई है उसको कैसे पाटा जाए। इसीलिए हमें समेकित शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। अब बात आती है कि समेकित शिक्षा क्या है, समेकित शिक्षा का मतलब क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1970 में केंद्र सरकार द्वारा जो योजना लाई गई उसी का नाम है समेकित शिक्षा। और समेकित शिक्षा का मतलब यही है कि अक्षमता युक्त बालक, अभावग्रस्त बालक के साथ सामान्य बालक अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वही क्या है, समेकित शिक्षा है। ये पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि समेकित शिक्षा क्या होती है। तो समेकित शिक्षा क्या होती है, अक्षमताग्रस्त बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक या विकलांग बालक, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक, कुछ भी बोल सकते हो, अभावग्रस्त बालक, अक्षमता युक्त बालक, इन बालकों के साथ अगर सामान्य बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में अध्ययन कराया जाए उसी को हम समेकित शिक्षा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि समेकित शिक्षा को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, वो आपने पहले वाले वीडियो में भी सुन लिया था। लेकिन इसके तीन मेन मोटिव थे जिसके कारण समेकित शिक्षा को भारत में लाया गया। तो पहला क्या था, CWSN, यहाँ पर जहां पर भी CWSN है वहां यही समझ लेना, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है उन बालकों को समाज और समानता के साथ जोड़ना। आप सब जानते हैं कि अगर स्कूल में वातावरण समान होगा तो समाज में भी विकलांगों के प्रति समान दृष्टिकोण पैदा होगा। तो समाज और समानता, समानता का अधिकार संविधान ने दे ही रखा है, पिछले वीडियो में ये सब देखा ही था आपने। तो संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ अगर समाज में विकलांगों को समान दर्जा मिल जाए, इसके लिए हमने कौन सी शिक्षा को प्रारंभ किया, समेकित शिक्षा को प्रारंभ किया था। उसके बाद आता है सामान्य विकास की ओर ले जाना। आप सबको पता है कि विकलांग व्यक्ति को समाज ही नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखता है, खुद विकलांग की भी मानसिकता बन चुकी है कि मैं विकलांग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें हीनता की भावना पैदा हो गई है। तो उसमें जो हीनता की भावना है उसको एजुकेशन के माध्यम से अगर हम हटा दें, उसको बताएं कि विकलांग होकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो विकास कर जाएगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि इंदिरा गांधी ने जो जिला परिषद सम्मेलन आयोजित किया उसमें यही कहा, आत्मनिर्भर बनो, उन्हें सामान्य विकास की ओर ले जाओ। और सामान्य विकास की ओर तभी ले जाया जा सकता है जब हमारे देश में समेकित शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न करना। आप सब जानते हैं
कि अगर विकलांग बच्चे को सामान्य बालकों के साथ बिठाया जाएगा, वो डेली जब उन बच्चों के साथ बैठेगा और उनसे अपनी अधिक प्रतिभा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर ईश्वर एक शक्ति नहीं देता है तो दूसरी शक्ति अधिक देता है। हो सकता है उसका हाथ नहीं हो, वो दूसरे हाथ से लिख रहा है, लेकिन उसका माइंड अच्छा चलता है, तो वो बच्चा भी प्रतिभाशाली हो सकता है। तो जब हम सामान्य बालकों के साथ इन विशिष्ट बालकों को बिठाएंगे तो क्या होगा? तो यही होगा कि उनमें साहस व आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। तो समय की शिक्षा के तीन उद्देश्य हैं, समाज व समानता दोनों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ जोड़ना, दूसरा सामान्य विकास की ओर ले जाना, तीसरा साहस व आत्मविश्वास उत्पन्न करना। ये तीन उद्देश्य है समेकित शिक्षा के, क्योंकि विकलांग शिक्षा को पढ़ने के लिए समेकित शिक्षा को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अब है कि समेकित शिक्षा की ब्रांचेज क्या है, समेकित शिक्षा कैसे दी जाएगी। समय की शिक्षा को देने से पहले उसको दो चरण में से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला तो पूर्ण समावेशन और मुख्य धारा। मुख्य धारा का मतलब है कि सामान्य बालकों के साथ अक्षमता वाले बालकों को, सामान्य बालकों के साथ अक्षमता वाले बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चों? प्रवेश दिया जाएगा। तो क्या होगा? समेकित शिक्षा का पहला चरण प्रारंभ होगा। जैसे आपको पता भी है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2010 इसका अधिकार विकलांगों को प्रदान करता है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण समावेशन। पूर्ण समावेशन का मतलब यही है कि जब विकलांग बच्चा सामान्य बालकों के साथ बैठता है तो उसको वहाँ उचित वातावरण प्रदान करना, उचित संसाधन प्रदान करना और समाज में उसको एक ऐसा वातावरण प्रदान करना ताकि उसको लगे ही नहीं कि वो दूसरों से कम है। अगर ऐसा वातावरण हम प्रदान करेंगे तो समय की शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। तो समय की शिक्षा का पहला चरण है मुख्य धारा, कि संवैधानिक प्रावधान ऐसा किया जाए कि सामान्य बालकों के साथ अक्षमता वाले बालकों को बिठाया जा सके। उसके बाद आती है आवश्यकताएं। इनको कॉपी में लिख लेना साथ में। आवश्यकता क्यों है समय की शिक्षा की? आज हमारे हिंदुस्तान ने जब इसको स्वीकार किया है तो क्यों स्वीकार किया है? सबसे मैंने सार्वभौमीकरण के लिए, आपको पता होना चाहिए इसी सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने का प्रयास किया एसएससी ने, सर्व शिक्षा अभियान। नाम सुना है आपने? सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव यही था, क्या? सार्वभौमीकरण करना। प्राथमिक स्तर तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक समस्त भारत के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, 100% नामांकन और ठहराव सुविधा उपलब्ध करवाना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विकलांगों को भी क्या देना पड़ेगा? शिक्षा का समान अधिकार देना पड़ेगा। और शिक्षा का समान अधिकार देने के लिए ही ऐसे कार्यक्रम के तहत इस समय के शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाया गया। और इसी एसएसए ने, सर्व शिक्षा अभियान ने इसके लिए क्या किया? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलवाया। इसके अलावा पर्याप्त सुविधाएं विद्यालयों में उपलब्ध करवाई, उपकरण उपलब्ध करवाए, प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल्स तैयार करवाए, ब्रिज कोर्स। कस्तूरबा आपने सुना भी होगा, जो केजीवीपी विद्यालय, अपने कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है जिनका अब जो है उसको जोड़ दिया गया है, बाकी कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं उनमें जो कचरा बीनने वाली बालिकाएं थी, गरीब जो बालिकाएं थी, अभावग्रस्त जो बालिकाएं थी, उन बालकों को जहां पर प्रवेश दिया जाता है वहां पर ब्रिज कोर्स चल रहे हैं। तो ये जो ब्रिज कोर्स की जो व्यवस्था है, ये समेकित शिक्षा अभियान का एक सफल प्रयास माना जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हमारे देश में एसएसए ने
सर्व प्रमुख कार्य किया। ऐसे से के बाद आया रमसा। रमसा ने कहा कि माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन और ठहराव सुविधा को बढ़ाने के लिए रमसा आया। और ये रमसा तभी सफल हो सकता है जब हमारे देश में इसको करा जाए, समेकित की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ बिठाया जाएगा। तो समझ आया सार्वभौमिकरण, प्राथमिक व माध्यमिक, और आज जो हमारे चल रहा है वो चल रहा है समसा, समग्र शिक्षा अभियान। समसा समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। समसा का नारा क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। और एसएसए का नारा है सब पढ़े सब बढ़े। सब पढ़े सब बढ़े इसका नारा है, एसएसए का नारा है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान का नारा बताई दिया रमसा का, समसा का नारा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। तो ये सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े, ये सब नारे तब ही कारगर साबित हो सकते हैं जब हमारे समाज में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। और इसी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए हमारे देश में कौन सा कार्यक्रम आया? समेकित शिक्षा कार्यक्रम आया। तो देखो आगे फिर आता है राष्ट्र के विकास के लिए। ये तो आप भी जानते हैं और मैंने पढ़ाया भी था कि हमारे देश की 2.28 करोड़ जनसंख्या विकलांग है। अगर इन विकलांगों को उचित वातावरण, उचित उपकरण, सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए तो ये समाज में बहुत ही आगे जा पाएंगे और राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो राष्ट्र के विकास में भी योगदान है किसका? विकलांगों का। और विकलांग राष्ट्र का विकास तभी कर सकते हैं जब उनको कौन सी शिक्षा अवेलेबल करवाई जाए? समेकित शिक्षा अवेलेबल करवाई जाए। देखो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल पॉइंट्स अगर लर्न है तो आप इसकी डिटेल आराम से समझ सकते हैं। समझा मैं रही हूं, मेरे वीडियोस को आप ध्यान से देखें, समझे और इनका आंसर्स लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, समाज का विकास और सशक्तिकरण के लिए। आज भी आप जानते हैं हमारा समाज विकलांगों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि विकलांगों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए, उनको पर्याप्त सुविधाएं दी जाए, लेकिन आज भी हमारे देश के 50% से अधिक विकलांग स्कूल की पहुंच से बाहर है। तो इनको स्कूल की पहुंच के अंदर लाने के लिए उनको समय के शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाना होगा। समाज का विकास करना है और उसका सशक्तिकरण करना है तो हमें समय की शिक्षा को आगे बढ़ाना ही होगा। उसके बाद आती है अधिकारों की रक्षा। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में साफ कहा गया है कि अगर किसी के साथ हर बालक को समान अधिकार दिया जाए, और आपने देखा भी होगा अनुच्छेद 21 भी कहता है, क्या कहता है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। 21 ए कहता है या नहीं कहता? 21 ए कहता है कि शिक्षा का समान अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है। तो हर व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसको एजुकेशन दिलाना जरूरी है। वो समाज के साथ तभी लड़ेगा जब उसको एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन मिलेगी तो अधिकारों के बारे में जानेगा, और अधिकारों के बारे में जानेगा तो ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। फिर आता है भ्रम दूर करने के लिए। आज हमारा समाज विकलांगों को किस दृष्टिकोण से देखता है? अरुणिमा सिन्हा के उदाहरण से मैंने आपको समझाया था, लेकिन उन विकलांगों ने समाज को साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। विकलांगता होना गॉड की देन है, लेकिन विकलांगता होने के बावजूद हम अपनी प्रतिभा को
निखार सकते हैं, ये विकलांगता ने साबित कर दिया है। तो अब समाज का भ्रम धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। आज हमारे समाज में नेत्रहीन, स्वर्णहीन उन लोगों को उतना ही सम्मान दिया जा रहा है जितना एक सामान्य बालक को दिया जा रहा है। तो भ्रम दूर हुआ है क्योंकि विकलांगों ने इस बात को साबित कर दिया। भ्रम दूर कब होगा? जब पता चलेगा कि सामान्य बालक विकलांग बालक के साथ पढ़ सकता है। उसके बाद आता है व्यक्ति विकास हेतु। आप सब जानते हैं कि जब विकलांग बच्चा सामान्य बालकों के साथ पढ़ेगा, सामान्य वातावरण लेगा, सामान्य शिक्षकों के साथ रहेगा, तो क्या होगा? उसके व्यक्तित्व का उचित विकास हो सकता है। हाँ, अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो हम विशेष कक्षाओं में उनको डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकता है तो उसे उन्हीं बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य वातावरण में रहकर, समाज के टच में रहकर ही वो अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। उसके बाद आता है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। जब बच्चा को लगेगा कि मैं सामान्य बालकों के साथ पढ़ रहा हूँ, जो बच्चे सामान्य हैं वो भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उस काम को कर पा रहा हूँ, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव मेंटलिटी पैदा होगी। और समय की शिक्षा का मेन मोटिव यही है कि विकलांग बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण को क्या किया जा सकता है, पैदा किया जाए। उसके बाद आता है भाई लोगों, ये साथ आपने क्या पढ़ी, आवश्यकताएं पढ़ी कि आज हमारे देश में समय की शिक्षा को प्रारंभ किया जाना क्यों आवश्यक है। उसमें पहला पॉइंट आपने क्या देखा, सार्वभौमीकरण के लिए। दूसरा, राष्ट्र के विकास के लिए। तीसरा, समाज का विकास और सशक्तिकरण के लिए। चौथा, अधिकारों की रक्षा के लिए। पांचवा, भ्रम दूर करने के लिए। छठा, व्यक्ति विकास हेतु। सातवा, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने हेतु। ये सब जो सात पॉइंट है, ये क्या है, समय की शिक्षा की आवश्यकताएं। तो अभी तक आपने कितने पॉइंट्स देखे, समय की शिक्षा की अर्थ और परिभाषा, दूसरा उद्देश्य, तीसरा शाखाएं, चौथा आवश्यकताएं। अब बात ये आती है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि सार्वभौमीकरण होना चाहिए, उसको उचित वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आज समय की शिक्षा कारगर साबित नहीं हुई है। इसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम देखते हैं कि समय की शिक्षा में क्या क्या कमियां रह गई कि आज भी समय की शिक्षा 50% बच्चे जो भी विकलांग हैं वो आज भी शिक्षा से बाहर है। ऐसे कौन से कारण हैं? तो अभी जो अपना टॉपिक है वो क्या है, समय की शिक्षा में समस्या। पहला पॉइंट समय की शिक्षा की जो समस्या है वो कौन सी है, शिक्षण कौशल में कमी। इसका उदाहरण तो आप बीएडधारी हो सबसे ज्यादा समझ सकते हो कि बीएड कैसे कर रहे हैं लोग। वो बीएड की डिग्री लेने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमें शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में जो डिग्री के लिए नहीं, हमें शिक्षण कौशलों का अध्ययन करना चाहिए। किस तरीके से सामान्य बालक और विकलांग बच्चों को एक साथ उचित वातावरण दिया जा सकता है, उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षण है उसके कौशल में क्या है कमी है, ये समय की शिक्षा की सबसे बड़ा मेजर इशू बन चुका है कि शिक्षण कौशल में क्या ऐसे बदलाव किया जाए। इसके लिए हमारी भारत सरकार द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कई प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आज ये समस्या बनी हुई है। पहली कौन सी, शिक्षण कौशल में क्या है, कमियां हैं। शिक्षक जो है समझ नहीं पाता कि विकलांग को उचित वातावरण कैसे दिया जाए, क्योंकि कई शिक्षकों का नकारात्मक नजरिया भी रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि मन बुद्धि बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अगर हम प्रैक्टिस करता है, मंद बुद्धि कछुआ चाल भी चलता है, तो जिंदगी में आगे कुछ कर सकता है। तो शिक्षण पोषण में कमी। दूसरा है सामाजिक
मनोवृत्ति, सामाजिक मनोवृत्ति। आप सब ये भी जानते हैं कि आज भी हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी मनोवृत्ति है क्या कि विकलांग बच्चा अध्ययन नहीं कर सकता, वो परिवार के लिए भार, परिवार के लिए क्या है भार, तो वो उसको पढ़ाते नहीं है और घर के अन्य कार्यों में उनको लगा लेते हैं। तो समाज एक हाथ टूट गया तो उनके मन में नेगेटिव मेंटलिटी पैदा कर दी जाती है समाज के द्वारा कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो बच्चे में जब ये भाव आ जाते हैं, ये सामाजिक मनोवृत्ति आ जाती है, समाज का जो वातावरण है वो अगर खराब है तो ये समय की शिक्षा के लिए सबसे बड़ी दुखद बात है। तो शिक्षण कौशल में कमी और सामाजिक मनोवृत्ति, ये समय की शिक्षा की क्या है, समस्याएं हैं। तीसरा है शारीरिक बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, ये आप समझ ही सकते हो। शरीर में एक हाथ कटा हुआ है, किसी का एक पैर कटा हुआ है, तो स्कूल से घर आने के लिए अगर परिवहन सुविधा नहीं है तो वो बच्चा सामान्य विद्यालयों में नहीं आ पाएगा। अगर पता है कि उसकी आंखें, मतलब उसको कम दिखता है और उसको टीचर नहीं समझ पा रहा है कि ये कम दिखता है, ये देख नहीं पा रहा है, तो उसके आगे की रो में उसको बिठाया जाए। तो ये कई चीज़ें ऐसी है कि ये शारीरिक बाधाएं, जैसे बच्चे को दिख नहीं रहा है, दृष्टिहीन दोष आ रहा है, तो फिर भी उसको अगर पीछे क्लास में बिठाया जाएगा तो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वह समझ नहीं पाएगा। तो समझेगा कब, जब उसको पास वाली रो में बिठाया जाएगा। तो कई शारीरिक बाधाएं हैं जो भी क्या पैदा करती है, जो हमारे समय की शिक्षा में बाधा पैदा करती है, उन बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। चौथा कारण जो आपके सामने आता है वो है पाठ्यक्रम। आज भी हमारा जो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है वो वेद भावपूर्ण शिक्षा नीति पर जारी है, उसमें औसत से कम वाले बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चों को ध्यान में रखकर आज भी हमारा पाठ्यक्रम तैयार नहीं हो पा रहा है। तो ये पाठ्यक्रम अगर इस तरीके का तैयार किया जाए जिसमें मंदबुद्धि, विकलांग, प्रतिभाशाली समस्त बच्चे उसका अध्ययन करके अपनी प्रतिभा को निखार सके, तो ये नहीं हो पा रहा है, जो समय की शिक्षा में क्या पैदा कर रहा है, बाधा पैदा कर रहा है। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम के बाद में भाषा और संवाद, भाषा और संवाद, भाषा और संवाद भी समय की शिक्षा में सबसे बड़ी क्या पैदा करता है, बाधा पैदा करता है। तो ये कई ऐसी रीजन है जिसके कारण समय की शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है बच्चों, छठा है बाधाओं के रूप में नीति, बाधाओं के रूप में। हमारा जो शिक्षा नीति है कई बार ऐसी नीतियां बना देता है जिसके कारण विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बिठाना मुश्किल हो जाता है, शिक्षकों के सामने समस्याएं पैदा हो जाती है कि वो किस समय विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करें। वो आप जानते हो जनसंख्या नीति, गणना, जनसंख्या के आंकड़े तैयार करना है, इन अदर कार्यों में भी किसको लगा दिया जाता है, शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है, चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है। तो वो इन बच्चों पर जो अतिरिक्त ध्यान दे पा रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे। तो आपने आरटी अधिनियम में ये बात साफ लिखी हुई है कि तीन चीजें ही में ही शिक्षक को लगाया जा सकता है, आपदा कार्यों में, चुनाव में और जनगणना में। ये आया 2010 में, इससे पहले ये चीज नहीं थी, हर काम में शिक्षक को लगा दिया जाता था। तो शिक्षा सरकार की कुछ ऐसी नीतियां भी है जिसके कारण भी समय की शिक्षा में बाधा हो सकती है, हो जाती है। तो आपने छह बाधाएं देखी, पहला शिक्षण कौशल में कमी, लिख लेना इसको, शिक्षण कौशल में कमी, आपकी बुक में नहीं है ये पॉइंट्स, मैंने एक्स्ट्रा से बनाए हैं, इसलिए आप इनको कॉपी में लिखे और जब आप लिख के आएंगे एग्जाम में तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो पहला क्या है, शिक्षण पोषण में कमी, दूसरा सामाजिक मनोवृत्ति, तीसरा शारीरिक बाधाएं, चौथा पाठ्यक्रम, पांचवा भाषा और संवाद, और छठा है बाधाओं के रूप में नीतियां। अब आपने देखा कि ये समस्याएं हैं तो आज भी हमारे
समय की शिक्षा के लिए चुनौतियां भी हुई है। तो आज हमारी समय की शिक्षा के समय सामने क्या क्या चुनौतियां है, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है। और इसके बाद जो टॉपिक है आपका है समाधान। क्या है बच्चों? समाधान। तो चुनौतियां क्या है? एक तो आदिवासी इलाकों के जो विकलांग है, आदिवासी इलाकों के विकलांग, उनको क्या नहीं मिल पा रही है? समेकित शिक्षा नहीं मिल पा रही। और दूसरा क्या है? दूसरा है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भेदभावपूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। लिख लेना, ये दो पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को कि आदिवासी इलाकों के विकलांग समय की शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। ये हमारे सामने चुनौती है कि आदिवासी इलाकों में भी सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालकों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा नीतियां है, शिक्षा व्यवस्था है, वो भेदभाव उन शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। अब है कि समय की शिक्षा के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला है पर्याप्त, ये पॉइंट्स आपको बढ़ाने हैं खुद। मैं 5-6 पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको खुद बनाने हैं क्या क्या कर सकते हो आप समय की शिक्षा के लिए। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाना, आपको क्या करना पड़ेगा? पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने होंगे, तभी समय की शिक्षा का सपना साकार हो सकता है। उसके बाद आता है आपका SSA, सर्व शिक्षा अभियान। आपने देखा भी है और बताया भी था मैंने, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े 2000 से 2001, ये सर्व शिक्षा अभियान आया। और सर्व शिक्षा अभियान ने विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए ब्रिज कोर्स प्रारंभ किए, विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की, विशिष्ट कक्षाओं के आयोजन की बात की, आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए, मेडिकल किट इन लोगों को उपलब्ध करवाए, परिवहन की सुविधा, ट्रांसफर वाउचर योजना प्रारंभ की कि गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े, इसने भी काफी कारगर किया और समय की शिक्षा के सपने को साकार करने में सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण योगदान है। और आज वर्तमान में इसी की तर्ज पर जो कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है समसा, समग्र शिक्षा अभियान 2018, और इसका नारा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये समसा का क्या है? नारा है, जो आज इस समय की शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा भी समय की शिक्षा के लिए विभिन्न अध्ययनकर्ताओं ने अध्ययन भी किया, विभिन्न अध्ययनकर्ताओं का योगदान भी इसके अंतर्गत रहा। और इसके अलावा कई संगठन भी इसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो लिख लेना आप कॉपी में। सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्ली में, नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड संस्थान 1950 में, राष्ट्रीय अस्थि विकृति संस्थान पश्चिम बंगाल में, मूक बधिर मुंबई में, और दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून में, ये सब भी इस के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो समाधान जो आपने पढ़े इसमें आप क्या क्या जोड़ सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखे। और नव भारती परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपको यही कहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं, तो आपको पता ही है कि आपको पढ़ना ही होगा और आपको इस समाधान के बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर करवाऊंगी। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो 4 या 5 पॉइंट्स बताए हैं, आपको 3 या 4 पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं। इसमें समाधान में, और आपका जो ESS क्या है, NCERT क्या है, इसके लिए मैं आपसे अलग से एक क्लास लूंगी, उसमें आपको बता दूंगी ESS क्या है, NCERT क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।